स्वागत है आपका और आज हम बनाएंगे टैको शेल। इसके लिए हमें चाहिए एक कप मकई का आटा, एक कप गेहूं का आटा। जी हाँ, ये हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, इसमें मैदा यूज नहीं कर रहे हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट, टू टेबलस्पून ऑयल, सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। तो गेहूं के आटा लिया है तो ये बहुत हेल्दी भी है और बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगा। और अब इसका हम डो बांध देंगे। डो के लिए हमने नॉर्मल वाटर ही लिया है। ये हमारा डो तैयार है। रोटी जैसा नहीं बांधना है, थोड़ा पराठा जैसा, कठिन भी नहीं होना चाहिए। कठिन हो गए तो हमारे टैकोस अच्छे नहीं बनेंगे। तो डो तैयार है और इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। 10 मिनट के बाद हम इसमें से टैकोस बनाएंगे। तो 10 मिनट ढक के साइड में रख देना है। 10 मिनट के बाद ये हमारा डो अच्छी तरह से हो गया है। तो उसको हम जरा तेल लेके अच्छी तरह से मसल देंगे। जरूरत हो तो ये गेहूं का आटा है, इसमें हम एक बार गेहूं का आटा लेके बाद में बड़ी पूरी बनाएंगे। तो ऐसी एक बड़ी पूरी बनानी है, बहुत थिक नहीं रखनी है, थिन ही रखनी है। और ऐसे कोई भी कटर से आपको जितनी बड़ी चाहिए उतनी बड़ी आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको फॉक से प्रिक करना ना भूले, ताकि तलने के समय कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही हम सारी पूरियां बना देंगे। हमारी पूरियां तैयार है। तो तलने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो हम थोड़ी धीमी आंच पे तलेंगे उसको। एक साइड हो जाए उसके बाद उसे तुरंत ही हमें टर्न कर देना है। तलने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन आपको अच्छी तरह से उसे तलना है ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। और मैंजे का हमने यूज नहीं किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी टैकोज है, गेहूं के आटे से बना हुआ है, तो बच्चों को आप कभी भी दे सकते हैं। तो तैयार है हमारे टैको शेल, जो हमने गेहूं के और मक्के के आटे से बनाए हैं। मैदा बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, तो ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप ये जरूर घर पर ट्राई करें, टैको शेल, जो बहुत ही क्रिस्पी भी है।